दिव्य लोक से संदेश, प्रिय मालिक, पूज्य बाबूजी महाराज, शुक्रवार 24 जनवरी 2003 प्रातः 10 बजे। तुम्हारा दिल शाश्वत है, यह समय के परे है। उम्र एक शारीरिक दशा है, यह सिर्फ इस संसार के नियमों से बंधे देहधारी शरीर से संबंधित है। तुम्हारे जीवन का सूक्ष्म अंश इस धारणा के परे है। इंसान का आध्यात्मिक दिल उसके शरीर से मुक्त और स्वतंत्र होता है। इसके अपने नियम हैं, जिन्हें इंसानों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। संपूर्ण मानव जाति को इस सिद्धांत को स्वीकार करना होगा, जो अभी तक समझदारी के इस चरण पर नहीं पहुंची है, बल्कि वह इससे कहीं दूर है। तुम्हारा व्यक्तिगत कार्य इस नए युग के विकास में योगदान देता है। यह ऐसे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए लोगों के मन को तैयार करता है, जो कि ऐसी संभावनाओं के प्रति खुले नहीं है। मानव जाति का अधिकांश हिस्सा मान्यताओं की प्रणाली में जकड़ा हुआ है, जो कि बहुत सीमित और गलत है। अधिकतर लोग इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, वे इस पर यकीन नहीं करेंगे। अब तक इसका समय नहीं आया है। इसके लिए मन की तैयारी करना और सही जगह पर बीज बोना जरूरी होगा। इस ग्रह से संबंधित सभी चीजें धीमी गति से होती है। इसका स्पंदन ऐसी गति लाता है जिसे क्रम विकास की वर्तमान अवस्था में तेज नहीं किया जा सकता। आने वाले नए समय चक्र के अनुरूप एक बृहद मुक्तिदायक संरचना में समग्र रूपांतरण किया जाएगा। भारी उथल पुथल के बाद जो इस पृथ्वी के परे भी होगी, इस सृष्टि को चलाने वाले सभी नियम बदल दिए जाएंगे। इस सृष्टि की विशालता की तुलना में पृथ्वी का आकार अत्यंत छोटा है। इसके संतुलन और क्रम विकास के लिए हर तरह के बदलाव जरूरी है, वे उचित समय पर घटित होंगे। बाबूजी, धन्यवाद।